आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए हाफिज़ सईद चाहिए मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक ज़ाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। हिंदुइज्म हैज गिवन टू दिस वर्ल्ड योगा फॉर द फिटनेस एंड आयुर्वेदा टू क्यूर सम डिसीजेस एंड वेदास फॉर द नॉलेज एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट इस्लाम और कुरान गेव टू दिस वर्ल्ड। इस्लाम ने क्या दिया? कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। क्या ये वाकई ऐसा शख्स है कि इसको हम कहें कि हमारे बच्चों से खिताब करो? दरअसल ज़ाकिर नाइक ने पाकिस्तान के लाहौर में लश्करे तैयबा के आतंकवादियों से मुलाकात की। डॉक्टर साहब, अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के ज़ाकिर नाइक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में है, उनका मूड खराब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे। ये किन लोगों से मिल रहा है जिनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है? मैंने पहले भी बोला, मैं इनकी तो बातें खूब सुनती थी और मुझे बहुत इनकी बातें अच्छी लगती थी पहले, बहुत साल पहले, 20 साल पहले। मगर अब मैं सोचती हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर अब घिन आती है। यार, मैं इस आदमी की बातें सुनती थी, मैंने घंटे घंटे हफ्तों हफ्तों अपने जिंदगी के बर्बाद करे इस आदमी की बातें सुन के। ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि इंडिया सही था? पाकिस्तान के अंदर अभी हमने देखा कि वो ज़ाकिर नाइक आया था और उसने बोला है कि जो 112-13 साल का जो मैन है, एक बंदा है, वो 12-13 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है। देखें, मुझे पसंद नहीं आया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो बातें हैं, वो वजह ये है कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे थे जब उन्होंने आंसर दिया था इवेंट में, उन्होंने ये बोला था कि 13 साल की औरत, वुमेन बोला था 13, यानी वो आपका दिमाग ऑलरेडी बना रहे हैं कि 13 साल की अगर लड़की के पीरियड आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए, तो वो औरत बन गई। तो उन्होंने जानबूझ के, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो अपनी यानी अगर आप बच्ची को औरत बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत बन गई है। तो वो लोगों को ये बता रहे हैं कि यार, किसी के पीरियड आ जाते हैं तो वो औरत बन जाती है। सॉरी, वो औरत नहीं बनती है, पीरियड जब आते हैं औरत लड़कियों के तो औरत बनने में टाइम लगता है। वो शुरुआत है कि आपकी बॉडी अब चेंज होना शुरू होगी, कि कुछ सालों में आपके लिए हेल्दी होगा कि चलो आप बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। तो मुझे पसंद नहीं आया कि उनकी पूरी शुरुआत जो थी, उनका जो जहनियत, उससे पता चलती कि उनके दिमाग में एक बच्ची जो है जिसकी पीरियड आ गए, वो तो ऐसे तो 9 साल की बच्चियों के भी पीरियड आ जाते हैं, क्या वो अब औरत बन जाएंगी 9 साल की उम्र में? तो इनकी बातें सुन के मुझे डर लगा, मुझे बहुत घिन आई। और क्या है कि ऑफकोर्स हर मुल्क में गंदे और अच्छे लोग होते हैं, जो पाकिस्तान में जो गंदे लोग हैं जो काफी सारे, उनको बहाना चाहिए था गंदी हरकतें करने का, और इन्होंने एक ग्रीन झंडा दिखा दिया कि चलो करो, ये है, मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि किसी के पीरियड आ गए थे, वो औरत बन गई, अब आप शादी कर सकते हैं। अगर आप शादी कर सकते हैं किसी के साथ और ताल्लुक रख सकते हैं, और अगर चलो हम औरतों लड़कियों के पीरियड जब आते हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे पैदा करें उनके साथ, इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करें उनके साथ। अगर आप कोई चीज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप करें। तो इन्होंने जो है बायोलॉजी इंसान की, उसको मिक्स कर लिया है साइकोलॉजी पे। इन्होंने तो बात करी नहीं, किसी छोटी सी जो बच्ची है अगर उसके पीरियड आ जाए किसी गंदे बुढ़े आदमी के साथ शादी करके जो 100 साल का हो, उसको साइकोलॉजिकली उसको कैसा लगेगा, उसको वो क्या करना चाहेगी? इसमें औरत और लड़कियों की कहां उन्होंने बात करी, इन्होंने सिर्फ अपनी जो गंदगी थी इनके खुद के दिमाग में, उन्होंने वो चीज जाहिर करी। तो मुझे इस टाइप की बातें पसंद नहीं है। मेरा एक बेटा भी है, मेरी लड़की भी है छोटी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों की शादी थे, वो भी मेरी अपनी बेटी की शादी में किसी बूढ़े बुढ़े से करूं। एंड इस टाइप की बातें कौन करता है, क्यों करता है, इनका मकसद क्या था? इनको कोई अच्छा ढंग का जवाब देना चाहिए था, और उन्होंने इस टाइप की बातें करी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, मुझे घिन आई। मैंने पहले भी बोला, मैं इनकी तो बातें खूब सुनती थी और मुझे बहुत इनकी बातें अच्छी लगती थी पहले, बहुत साल पहले, 20 साल पहले। मगर अब मैं सोचती हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर अब घिन आती है। यार, मैं इस आदमी की बातें सुनती थी, मैंने घंटे घंटे हफ्तों हफ्तों अपने जिंदगी के बर्बाद करे इस आदमी की बातें सुन के, मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आती है। यार, मैं किसी और आदमी को सुन लेती, मैं योगा कर लेती, मैं कुछ और मैं किताबें पढ़ लेती, मुझे इस आदमी की बातें सुन के और दूसरे भी जो स्कॉलर्स हैं उनकी बातें मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। बात ये भी है कि ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया गया, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने, कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम अज कम नाम लेने वाले हैं नहीं। हाँ, हो सकता है कहीं और चले जाए दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका ख्याल होगा पाकिस्तान में आएंगे
इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे साधे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी पहना के निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है, ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके ना जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था। लेकिन खैर, उन्होंने आते के साथ ही आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो, जी इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे, जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं के लाहौर में जो विजिट किया है जाकिर नाइक ने, वहां पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर 20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े, 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे। आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसिबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में हैं, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुरका। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में वहां का मौलवी है, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुरका पहन के भागा था लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुरका वुरका ढूंढ रहे हैं और वो बुरका पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिन्होंने इनवाइट किया जाकिर नाइक को एज अ स्टेट गेस्ट, उन्हें अच्छे से खिलाएं पिलाएं, और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे भैला फुसला के, और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे भी नहीं। तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनके अच्छे से चितरौल भी हो जाएगी या जो भी हो। भाई हमें क्या, आपका बंदा है, आप जानिए आपका काम जानिए, आपने सजा देनी है, आपने उन्हें प्यार करना है, आपने उनको खिलाना पिलाना है, आपने उनकी आरती उतारनी है, जो करना है आप कीजिए, आपके लोग हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जी बात सारी ये कि इस बात के बाद जो है यकीनन भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाने चाहिए, इसलिए कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए हाफिज सईद चाहिए मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। यानी कि ओपनिंग बैट्समैन जो कहते हैं ना, जो क्रिकेट में खेलते हैं ना, जो सबसे पहले आके बैटिंग करता है, मुझे इतनी क्रिकेट का नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने सुना ऐसा होता है, तो होता ही होगा। लेकिन खैर, तो हम सबसे पहले जो है वो किसी जेल की, किसी कह लीजिए कि वहां पे छित्तर खाने की जो जगह है वहां की रिबन काटने के लिए हम भेजेंगे ओपनिंग के लिए। हमारी तरफ से जाकिर नाइक आपके लिए पेश खिदमत होंगे। तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये खबर जाकिर नाइक तक पहुंची जाएगी, इसलिए कि जाकिर नाइक अगर ये समझ रहे हैं कि ये मजाक हो रहा है
और ये सिर्फ भेजा फ्राई में ऐसी बात हो रही है तो ऐसा नहीं है, मैंने सुना है बहुत सीरियसली गवर्नमेंट सोच रही है कि जी चलते चलते जाकिर नायक दे देते हैं तो उससे होगा ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, ट्रेड भी खुल जाएगी और फिर कह लीजिए कि हिंदुस्तान के साथ हम दोस्ती करना तो चाहते हैं, ये तो हमने कई बार कहा है, तो उसके लिए इससे अच्छा बकरा कौन सा, सॉरी इनसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें कि हम जाकिर नायक को दे दें। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए कि मसूद अजहर, हाफिज सईद और इसी तरह के कई दूसरे लोग जो हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे। डॉक्टर जाकिर नाइक वो शख्स जिसकी कुवते गोयाई की तारीफें हुआ करती थी मगर पाकिस्तान में उसका रवैया अक्सर तब्दील दिखाई दिया। वो शख्स पाकिस्तान के दौरे पर अपने अखड़पन के लहजे में क्यों दिखाई दे रहा है? वातीन को उसके दिए गए जवाबों में अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होने का एहसास क्यों होने लगा है? यूट्यूबर्स की कमाई को हराम कहने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने यूट्यूब चैनल पर और दीनी तबलीग के लिए बनाए गए चैनल की कमाई पर लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर वो पाकिस्तान में किस मिशन पर है। लेकिन 2024 एक ऐसा साल रहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान है ये एक ऐसे सफर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने मुआशरती और मजहबी हलकों में जबरदस्त बहस को छेड़ रखा है। जहां एक तरफ वो मजहबी इल्म और बैनुल मजाहिब गुफ्तगू के लिए मशहूर हैं तो फिर पाकिस्तान में आकर रवैये में करख्तगी क्यों आई कि गैर मजहब तो दूर इस्लाम के पैरोकार उनसे नाला दिखाई देते हैं। पहला वाकया जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद हुई, कस्टम ड्यूटी पर उनकी तरफ से शिकायत का दर्ज करवाए जाना। जब उनके सामान पर 600 किलोग्राम से जायद इजाफी वजन पर कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कस्टम फीस देने से इनकार किया और कहा कि चूंकि वो हुकूमत के मेहमान हैं इसलिए उनसे ये फीस नहीं ली जानी चाहिए। इस वाके पर भी अवामी सतह पर बहस हुई कि मजहब में जब सबके साथ बराबरी का सुलूक होना चाहिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपने साथ किसी खास सुलूक की तवक्को क्यों लगाए बैठे थे और किसी दीनी मुबल्लिग को किसी तौर पर यह जेब नहीं देता कि वह दूसरों के मुकाबले में अपने लिए खास रियायत तलब करे। दूसरा वाकया वो वाकया था कराची में एक यतीम खाने की तकरीब का। उन्होंने बच्चियों को शील्ड्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनके नजदीक नामहरम थी और उनके नजदीक यतीम खाने को चलाने वाला शख्स भी अपनी तरफ से उनको बेटियां कहकर नहीं बुला सकता। लोगों को उनका ये अमल एक आंख न भाया। तीसरा वाकया एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ट्रांसजेंडर शख्स को छक्का कहकर पुकारा जो कि जनूबी एशिया में एक तौहीन आमेज लफ्ज है। उसके बाद का वाकया गैर शादीशुदा खवातीन पर उनकी जानिब से दिया जाने वाला बयान जिसमें उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा खवातीन इज्जत की मुस्तहिक नहीं होती और उन्हें या तो शादी कर लेनी चाहिए या बाजारी औरत बन जाना चाहिए। फिर एक और वाकया जाकिर नाइक एक तकरीब के दौरान स्टेज से अचानक गुस्से में वापस चले जाते हैं जब उन्हें यह बताया जाता है कि कुछ खवातीन उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हैं। उन्होंने इस रवैये को इस्लाम के खिलाफ करार देते हुए सख्त लहजे में तकरीब को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं तो फिर खातून एंकर को इंटरव्यू देना उनका गैर मुनासिब तर्ज अमल था, तो वो अमल जिसमें तस्वीरें खिंचवाना नाजायज था उसमें इंटरव्यू देना किस हद तक जायज हुआ? फिर एक और मामला, उन्होंने कहा यूट्यूब से आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने जो है वो यूट्यूब चैनल को भी चला रहे हैं और यूट्यूबर्स की कमाई को हराम भी कह रहे हैं, यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि उन वीडियो से होने वाली कमाई में डॉक्टर साहब का किरदार क्या शामिल नहीं होगा? ये वो मामलात थे कि जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक पूरे पाकिस्तान के अंदर घिरे हुए दिखाई दिए। जाकिर नायक आए थे पाकिस्तान इस्लाम सिखाने, मुसलमानों को इस्लाम सिखाने, गैर मुस्लिम को मुसलमान करने, और जाकिर नायक पाकिस्तान से जा रहे हैं हरेसमेंट सीख कर, औरतों की इज्जत करना सीख कर, किससे? गेस करें 3, 2, 1, अली जफर से। अली जफर ने जाकिर नायक को औरतों की इज्जत करना सिखा दी। मजा आया। मतलब जाकिर भाई मैं तो ना सहता, हु बेटर देन एक्सपर्ट ऑन हरेसमेंट टू टीच अबाउट हरेसमेंट। अली जफर ने कह दिया कि भाई तीसरा भी ऑप्शन है, आप रिस्पेक्टफुल इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकती हैं एज अ वुमेन, और मसला वो
मर्द है जो इनको बाजारी समझता है, मसला कौन है? मसला आप हैं जाकिर नायक। ये मैंने नहीं बोला, ये अली ज़फ़र ने बोला कि आपका हुक्का पानी बंद हो गया। और फिर अली ज़फ़र ने तो ले ली, अली ज़फ़र ने तो बोला कि भाई नॉट टू कोट टू जाकिर नायक, मतलब उन्होंने बोला कि आप पर ही मैं कोट कर देता हूँ भाई, सिंस यू अप्रिशिएट कोट्स, ये सुन लें, हियर इज़ द कुरान इंस्ट्रक्टिंग मैन बिफोर बिफोर वुमेन इन सूरह अल नूर 24:30, ओ प्रॉफिट टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर चैस्टिटी, दैट इज प्योरर फॉर देम, श्योरली अल्लाह इज़ द ऑल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। तो जाकिर नायक को कुरान सिखा दिया अली ज़फ़र ने।